हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना आलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भीट। मेरे भाई, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एफआई बैंक क्या है, यानी कि एफआई जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरीके से आप घर बैठे दो मिनट में वीडियो केवाईसी के थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा फ्री में, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई सब कुछ फ्री में। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे को मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाता है जिसके जरिए नेट बैंकिंग वहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको आरबीआई प्रोटेक्ट मिल जाता है, आरबीआई लिंकेड, और ये फेडरल बैंक से पावर्ड बाय टायर्ड है। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको नंबर कुछ भी नहीं चाहिए, आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका तुरंत दो मिनट में आपका हो जाएगा। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अर्ली एक्सेस लेना पड़ेगा। अर्ली एक्सेस कैसे लिया जाए और कैसे अकाउंट ओपनिंग किया जाता है, हम आपको पूरा प्रोसेस बताने का कोशिश करेंगे। और हमारा जब भी इसका डेबिट कार्ड होम डिलीवरी हो जाता है उसका भी अनबॉक्सिंग एंड उसका भी वीडियो हम आपको एक बना के जरूर देखेंगे, दिखाएंगे। मोबाइल के द्वारा डेस्कटॉप सर्च कर लेना, वहाँ से आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे एफआई बैंक जो है आपको सर्च करना है और यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा फर्स्ट लिंक और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड हम आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको गेट अर्ली एक्सेस जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना पड़ेगा और यहाँ पे अपना आपको फुल नेम डालना पड़ेगा, वही नाम डालें जिससे आपका आधार एंड पैन कार्ड में रजिस्टर हो। और फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। और यहाँ पे वेरीफाई विथ प्री ओटीपी यहाँ पे है और पीएफ ओटीपी, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी डाल लेना पड़ेगा आपको। और उसके साथ साथ यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा लोडिंग हो चुका है। यहाँ पे आपका फाइनली एम्प्लॉयर आपको डालना पड़ेगा और कंपनी आपका कौन सा है, कोई अगर बिजनेस करते हैं तो उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं या तो फिर आई एम सेल्फ एम्प्लॉयर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, टाइप कर लेते हैं बिजनेस ओनर और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना योर वर्क डिटेल्स बोल रहा है और आप अपना एग्जांपल नेम, योर ऑर्गेनाइजेशन कुछ टाइप लिख सकते हैं या फिर आप लिंक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे अपना नाम, फुल नेम टाइप करके एड्रेस लिख के छोड़ सकते हैं या तो फिर आप चाहे तो यूट्यूब अगर है तो फेसबुक है उसका लिंक यहाँ पे आपको डाल लेना। जैसे कि मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे डाल लेते हैं, यूट्यूब चैनल टेक्निकल भीट का वेबसाइट है यहाँ पे डाल लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम डिटेल्स टाइप करके छोड़ सकते हो और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, वही ईमेल आईडी डालें जिस पे आपका नोटिफिकेशन आता रहे। तो यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी डाल लिया और यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई के लिए। और आपके सामने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट ऑलरेडी एक्सेस टू एफआई यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके सामने इस तरीके से एक कोड आ जाएगा और कोड आने के बाद यहाँ पे इस कोड को आपको सबसे पहले याद करके इस कोड का टाइप करके रखना पड़ेगा, यही आपका जरूरी होगा। और अगर आप मोबाइल से करते हैं इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके प्ले स्टोर में चला जाएगा, वहाँ पे आपको ये कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैप टू कॉपी हम क्लिक कर लेते हैं, ये कॉपी हमारा हो चुका है ऑलरेडी। एंड फिर यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे मेरा इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे ओपन हम कर लेते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन है और आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी इंश्योरड अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। नो मिनिमम बैलेंस, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 0 फॉरेक्स मार्कअप, यानी कि आप यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट कटा सकते हैं। एंड स्वयं की डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, विड्रो फ्रॉम एनी एटीएम, आप इस एटीएम कार्ड को कहीं पे भी कोई भी एटीएम मशीन में स्वैप करके विड्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, इट पे सेव योर रैली आप देख सकते हैं, एंड प्राइवेसी और
प्राइवेट, यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल बैंक टायर वीजा कार्ड एंड NPCI लिंकेड, और यहाँ पे साइन मी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और अलाउ कर लेना है, और यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। सो यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है दूसरा वाला मोबाइल पे, हम इस OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने OTP को फिल कर लिया और यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डाल लेना है, आपके मोबाइल पे जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे डाल लेना है। जैसे कि मैंने ये वाला मोबाइल ईमेल आईडी डाल लिया और कॉन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। सो फाइनली आपको भी ऐसा ही करके अपना अकाउंट ओपनिंग कराना पड़ेगा। हालांकि मेरा पैन कार्ड पहले से मैंने एग्जिट करके रखा था, यानी कि पैन कार्ड के थ्रू मैंने पहले से इस अकाउंट को ओपन करके रखा था, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। और इसी तरीके से आपको अपना आगे का प्रोसेस रखना है। अपना वीडियो KYC आपका 30 सेकंड का होगा, उस वीडियो KYC आपको देना पड़ेगा और उसके साथ साथ तुरंत आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा एंड आपका होम डिलीवरी 7 से 10 दिन के अंदर अपना डेबिट कार्ड आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक बेस्ट फीचर मिल जाता है, जैसे कि ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में से यहाँ पे आप FD RD जैसा आप इस तरीके से सेविंग कर सकते हैं और उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5.1%। जैसे कि आप बाइक के लिए, साइकिल के लिए, मोबाइल के लिए थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके मर्जी के हिसाब से, जितना चाहे डेली का 100, 50 या अगर आप महीने में जितना हो सके आप वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। और जब भी आपका गोल पूरा हो जाता है तो उस कैश को आप निकाल के अपने मोबाइल या बाइक के लिए पैसे को विड्रॉ करके अपना यूज लगा सकते हैं। तो मेरे भाई ये अकाउंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है और प्रोटेक्ट है और सेफ है, सिक्योर है। और मेरे भाई मैंने फेडरल बैंक में ऑलरेडी 4 साल पहले अकाउंट ओपनिंग करके रखा था और वो मेरा अभी तक चल रहा है एंड नेट बैंकिंग भी चल रहा है। इसी कारण मेरा न्यू करके अकाउंट ओपनिंग नहीं हो पाया। लेकिन आप अगर करेंगे तो उसी तरीके से अपना वीडियो को ऐसे मांगा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा एंड सारे वर्किंग कर सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसा ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ ये लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे सपोर्ट जरूर करें मेरे भाई।